सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बल्लेबाजी एप्लीकेशन की। दोस्तों बल्लेबाजी एक ऐसी फैंटेसी ऐप है जिसमें आपको करीबन 100 रुपये का बोनस मिलता है और आप इसमें फैंटेसी प्ले कर सकते हो 11 प्लेयर के साथ, 5 बैट्समैन, 5 बॉलर और रिवर्स विजार्ड लीग, ये सब आप इसमें प्ले कर सकते हो। दोस्तों बेहतरीन ऐप है, मैं इसको करीबन 2 साल से प्ले कर रहा हूँ और आप भी इस एप्लीकेशन को प्ले कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा बल्लेबाजी का फुल रिव्यू, कैसे हम लोग इसमें प्ले करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे साइन अप करेंगे, कैसे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, फुल्ली ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप लोग बल्लेबाजी पर ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक होगी, सिंपली लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और हमारा रेफरल कोड जो कि है PGR फैमिली उसको आप यूज करके ज्वाइन करना, जिससे आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा। चलिए बोलो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो दोस्तों बल्लेबाजी में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिली जाएगी और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा वो देख लो। बल्लेबाजी की मैं यहाँ पर आपको हेड टू हेड और ग्रैंड लीग टीम आपको पर डे दे देता हूँ, जिसके थ्रू आप सिंपली टीम को देख कर कॉपी कर कर भी अगर आप प्ले करते हो तो भी आप पर डे अच्छी खासी अर्निंग विन कर जाओगे, अपना पॉकेट मनी तो कन्फर्म विन कर जाओगे। तो आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं, हमारे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, सिंपली लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और कभी कभार लिंक वर्क नहीं करती है तो आप आइए यहाँ पर सर्च कीजिए प्रिडिक्शन गुरु राहुल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम और आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। एंड अगर आप लोग प्ले करना चाहते हो ऐसे एप्लीकेशन में जिसमें बस आपको प्रिडिक्शन करना हो कौन सा टीम मैच जीतेगी और टॉस जीतेगी, ओनली बिलिंग प्रिडिक्शन, तो कुछ एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, पिन वाला ऑप्शन पर चले जाना, सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ 2-3 एप्लीकेशन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना 10,000 का बोनस है अगर आप मेरा कोड यूज करके ज्वाइन करते हो। तो बात करते हैं बल्लेबाजी की। सो बल्लेबाजी की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो बल्लेबाजी पर ज्वाइन कैसे करना है पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है और ये जो रेफरल कोड है ये बस एक रेफरल कोड नहीं है, 100 रुपये का लाइसेंस है। सो इसको आप कॉपी कर लेना या फिर आप देख के डाल सकते हो। लिंक पे क्लिक करते हैं, जो भी ब्राउजर से आप प्ले करते हो उस ब्राउजर पे क्लिक करें, देन उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम लेगी। एंड यहाँ पे मेरा ऐप इंस्टॉल था, सो क्या हुआ कि ये खुद ओपन हो गया, तो आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले दिखाई देगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले दिखाई देगी, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ऐसा आप पहले डाउनलोड कर ले, फिर सेटिंग पे जाए, अलाउ कर दे और उसके बाद इंस्टॉल करके ऐप को इंस्टॉल कर ले। डाउनलोड करने के बाद, इतना करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले दिखाई देगी। मैं इसको लॉगआउट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें लॉगिन हूँ पहले से, सो इसको पहले हम लॉगआउट कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ हमने लॉगआउट कर लिया है, अब आपको इसमें लॉगिन या फिर साइनअप करने के लिए आपको 2 चीज़ करना है। सबसे पहले सबसे नीचे में आना है वह इनवाइट कोड पे क्लिक करना। दोस्तों अगर आप ये ऑप्शन का यूज़ नहीं करते हो तो फिर जो आपके ज्वाइनिंग का जो 100 रुपये है वो नहीं मिलेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको नीचे में है वह इनवाइट कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो खुद ही रेफरल कोड आ जाएगा, और अगर नहीं आता है रेफरल कोड तो आप सिंपली PGR फैमिली लिख दो। लिखने के बाद ऊपर में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, सिंपली यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दो। गेट OTP पे क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, उस OTP को सिंपली फिल करना। फिल करोगे उसके बाद आपको एक और पेज खुलेगी जिसमें आपको आपका ईमेल आईडी, टीम नेम। टीम नेम क्या होता है कि जब आप कोई लीग ज्वाइन करोगे आपको ओपनिंग को जो शो होगी वो होता है टीम नेम, आपका नाम की जगह पे आप वही नाम डाला जो आपके पैन कार्ड में हो। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सिंपली एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर जाओगे। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसी डिस्प्ले दिखाई देगी। फर्स्ट टाइम जब आप ऐप को ओपन करोगे आपको कुछ ऐसी डिस्प्ले दिखाई देगी। आपको क्या करना है, आपको जब स्टार्टिंग में जब आओगे ना तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक करके बता रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले वॉलेट पर जाना है। वॉलेट पर जाओगे, जब फर्स्ट टाइम अगर आप वॉलेट पर आते हो तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ KYC पे क्लिक करना है। आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन किया होगा तो मोबाइल नंबर उसी टाइम वेरीफाई होगी। ईमेल आईडी पे एक OTP आएगी, उस OTP को फिल कर देना। पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड भी इसमें डालना है, सब चीज़ डाल के आपको इसमें साइनअप कर लेना है। और क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्रूव करने के लिए और पैन कार्ड डाल देना, आधार कार्ड डाल देना और बैंक डिटेल्स, जिसमें आपको विड्रॉ ले सको। पेटीएम विड्रॉ भी अवेलेबल है, तो आपको पेटीएम विड्रॉ भी बड़े आसानी से इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ विड्रॉवल हिस्ट्री दिखा दूँ, मैंने कुछ विड्रॉवल किया था वो मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली आ गई है। सो विड्रॉवल भी इस एप्लीकेशन की टाइम पर आ जाती है। बस आपको क्या करना है, विड्रॉवल करने के लिए आपको पहले ये KYC कम्प्लीट करना होगा। मिनिमम विड्रॉ इसमें आप करीबन 100 रुपये होते ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों ये इस एप्लीकेशन की एक खासियत है कि आप इसमें विड्रॉ भी बड़े आसानी से कर लेते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। सो दोस्तों ये तो हो गई विड्रॉवल की बात। अब जो एप्लीकेशन की जो सेकेंड खासियत है वो है यहाँ पर,
रेफर एंड अर्न। सो दोस्तों अगर आप प्ले करते हो साथ ही साथ अगर आपके कुछ फ्रेंड है 10-20, तो अगर आप उनको इनवाइट करते हो तो क्या होगा, आपको पर इनवाइटी 50 रुपये का रियल कैश। दोस्तों रियल कैश है, रियल कैश का मतलब ये होता है कि आप उसे किसी भी लीग में प्ले कर सकते हो। सो आप पर इनवाइटी आपको करीबन, सो अगर आपने करीबन 10 फ्रेंड को इनवाइट कर दिया तो 500 रुपये हो जाते हैं, और 20 को किया तो करेक्टली 1000 हो जाता है, जिसको आप प्ले करके 1000 से 2000 तो आप जरूर कर लोगे। सो अच्छी ऐप है, और प्लस दोस्तों उसके साथ साथ आपको 200 कॉइन मिलता है, और जब भी आप इसमें प्ले करते हो ना तो आपको प्ले करने पे भी कुछ ना कुछ कॉइन मिलता है, जिससे आप इस एप्लीकेशन में कुछ बाय कर सकते हो। मतलब कि बहुत सी चीज़ इसमें मिलती है आपको, जैसे जैसे आप धीरे धीरे खेलोगे तो आपको हर मैच का कुछ ना कुछ कॉइन मिलेंगे, उस कॉइन से आप बैग और बहुत कुछ बाय इसमें कर सकते हो, जो आप डायरेक्टली अपने घर पर मंगा सकते हो और आप उसका यूज कर सकते हो। और कोई देखे अभी तो कहेगा वहाँ भाई बल्लेबाजी में ये बंदा खेलता है और इसके पास ये चीज़ है। सो आप ये सब का भी लाभ इस एप्लीकेशन में उठा सकते हो। दोस्तों ये सब तो हो गई कुछ छोटी मोटी बात, अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि इसमें प्ले कैसे करेंगे। प्ले करने के लिए आपको ये जो पॉइंट सिस्टम दिख रहा होगा ना, इस पॉइंट सिस्टम को पढ़ के रीड करना है, अच्छे से समझ लेना है। सो यहाँ पर आप इसमें कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ये चारों चीज़ प्ले कर सकते हो। और अगर आपको प्ले करना हो तो ये चारों चीज़ का आपको देखना होगा पॉइंट सिस्टम, सबका पॉइंट सिस्टम अलग अलग है। क्रिकेट में दोस्तों अधिकतर हम प्ले करते हैं T20 मैच, सो T20 मैच पर आपको क्लिक करना है, और इस पर ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये जो छोटा सा एक पेज है इस पॉइंट सिस्टम को आपको डिलीट कर लेना है। और अगर आपको चाहिए कि मैं पॉइंट सिस्टम पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करो, जरूर बनेगी। यहाँ पे देखोगे तो अगर कैप्टन को आप लेते हो तो आपको 2 गुना पॉइंट मिलता है, वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट। ये सब मैं आपको टीम क्रिएट करते समय सिखाऊंगा, और प्लेइंग 11 ये सब मैं आपको बताऊंगा। सपोज मानो अगर आपने 1 रन स्कोर किया तो 1 पॉइंट, 4 रन स्कोर किया तो 1 पॉइंट, प्लस 1 पॉइंट ये होती है, 6 रन स्कोर किया तो प्लस 2 पॉइंट, 30 रन का प्लस 4 पॉइंट। दोस्तों इस टाइप से आपको ये सारा चीज़ आपको रीड करना होगा, और रीड करने का मुझे लगता है जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्ले करना स्टार्ट करोगे, 10-15 मैच खेलोगे, तो ये सब है ना आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा। मतलब आपको याद करने का जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने भी कभी इसको याद नहीं किया, ये खुद ही आपके दिमाग में आता जाएगा क्योंकि आप प्ले करते जाओगे। और एक एक बॉल जब आप मैच देखोगे, भाई मेरे प्लेयर ने 1 रन स्कोर किया तो मेरा पॉइंट कितना हुआ, तो आप आके खुद ही चेक करोगे, और ऐसे करते करते ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। भले ही हमें एग्जाम का क्वेश्चन याद ना हो, बट हाँ ये जरूर याद हो जाएगा, जिसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हर फैंटेसी प्लेयर को एक एक पॉइंट, उसको हर एक पॉइंट उसके दिमाग में होता है हमेशा, और आपको भी हो जाएगा अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो खेलने के लिए। सो ये तो हो गई पॉइंट की बात, और हमें खेलने के लिए पॉइंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आपको ये वाला चीज़ एक बार देखना है, कोई भी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो, यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कमेंट, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो डाल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है, वो भी कुछ ही टाइम में। अब बात करते हैं हम लोग इसमें प्ले कैसे करेंगे। सो दोस्तों इसमें आप प्ले कर सकते हो बहुत कुछ, एक दो चीज़ नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ये सब आप इसमें प्ले कर सकते हो। और टीम कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाता हूँ। सिंपली मैच पर क्लिक करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, यहाँ देखोगे तो क्लासिक्स है, ये क्लासिक्स इसमें आप 11 प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हो। न्यू यूजर हो तो 5 बैट्समैन के साथ प्ले कर सकते हो, 5 बॉलर के साथ प्ले कर सकते हो। इसमें ओनली बॉलिंग के पॉइंट मिलते हैं, ओनली बैटिंग के पॉइंट मिलते हैं। रिवर्स है, यानी कि अगर आपको खेलना बिल्कुल नहीं आता है, सो अगर आप ऐसा होता है कि अगर आप प्ले करते हो और आपका जो टीम हमेशा हार जाती है, सो रिवर्स में क्या होता है कि अगर आपकी टीम सबसे कम पॉइंट स्कोर करती है तब आप इसमें विन करते हो। सेकेंड इनिंग तक ये आप इसमें प्ले कर सकते हो, सेकेंड इनिंग मतलब कि टॉस, फर्स्ट इनिंग होने के बाद जो सेकेंड इनिंग होती है उसमें भी आप इसमें प्ले कर सकते हो। दोस्तों बहुत से टाइप में आप इसमें प्ले कर सकते हो। अब देखो टीम कैसे क्रिएट करना है, मैं आपको एक 11 प्लेयर का समझा लेता हूँ, और इसी से आप ये सब समझ लेना खुद ही, चूंकि उतना भी मुश्किल नहीं है। सिंपली टीम पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो क्रिएट अ टीम, एंड यहाँ देखोगे दोस्तों तो आपको पहले एक चीज़ समझना होगा, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको होम स्क्रीन पे खुद ही सब चीज़ समझाया जाएगा, आप उसको स्किप कर देना। यहाँ से देख लो, यहाँ पर आपको मिलते हैं करीबन पूरे ये जो क्रेडिट है ना, ये 100 क्रेडिट मिलते हैं। मैं आपको एक न्यू टीम क्रिएट करके बताता हूँ, जिससे आपको समझने में हेल्प मिले। ओके, तो यहाँ पर आपको 100 क्रेडिट मिलते हैं, जिसमें आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम एक टीम से आप 7 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर से देखो, 100 क्रेडिट के अंदर, 100 पॉइंट के अंदर 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, एक टीम से आप 7 टीम सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि मान लो कि एक टीम स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आप एक टीम से 11 प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम एक टीम से 7 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम एक टीम से आपको 4 प्लेयर सेलेक्ट करने ही है, उससे कम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो इतने सिचुएशन हो गए, अब इसके अंदर भी सिचुएशन है, विकेट कीपर आप 1 से लेकर 4 सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके मन के अकॉर्डिंग आपको 2 विकेट कीपर चूज करना है, 1 करना है या फिर 4 करना है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 3 से लेकर 6 बैट्समैन आप इसमें चूज़ कर सकते हो, मतलब कि 3 तो मिनिमम करना ही है, उसके बाद अगर आप चाहो तो 3 और कर सकते हो, और नहीं मने तो मत करो। देन यहाँ पे ऑलराउंडर आप 1 से लेकर 4 चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है 1 करो या फिर 4 करो। बॉलिंग आप 3 से लेकर 6 चूज कर सकते हो, और दोस्तों सब आपको चूज करना है ये जो 100 क्रेडिट है ना, इस क्रेडिट के अंदर। अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेयर को लोगे, जैसे कि मान लो कि अगर आपने जो अच्छे अच्छे प्लेयर है उसको आपने ले लिया,
तो उनका पॉइंट ज़्यादा होता है, ये क्रेडिट ज़्यादा होता है। जैसे कि लोकेश राहुल को लोगे तो 10 पॉइंट है, तो क्रेडिट में फ़र्क आएगी और आप जो अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर को खो दोगे। तो इस टाइप से बहुत ही दिमाग लगा के दोस्तों इसको द गेम ऑफ स्किल इसीलिए बोला जाता है कि आप इसमें अपना पूरा दिमाग लगा के जब तक प्ले नहीं करोगे तब तक विन नहीं करोगे। और गवर्नमेंट भी आपको पता ही है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको बोला हुआ है कि हाँ ये द गेम ऑफ स्किल है, आप इसको बेझिझक बड़े आसानी से, और टीवी पर भी आप न्यूज़ तो देखते ही होगे, आप इसको बड़े आसानी से प्ले कर सकते हो। सो कमेंट में कोई ये तो बिल्कुल मत पूछना कि भैया ये लीगल है या नहीं, क्योंकि फुल्ली इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसे बोल दिया कि ये लीगल है, आप इसे प्ले कर सकते हो। सो इतना ज्ञान हो गई। अब देखो ऐसे आपको प्लेयर सेलेक्ट कर लेने हैं, 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो यहीं से आप एक बार टीम प्रीव्यू अपना देख लो कि आपने जो टीम क्रिएट किया है वो कैसा है, आप उसको एक बार देख लो। सो यहाँ पे आप चेक कर लेना, सबसे ऊपर में जो होता है, ऊपर में आपको उसे लिखा भी हुआ है, आपको समझ जरूरत नहीं है, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, और ये है बॉलर। दोस्तों सब एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना अपने हिसाब से, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों इस गेम में जो हमेशा मैच पलट देता है और आपको विनिंग को आपके नज़र में कर देता है वो क्या है, कैप्टन वाइस कैप्टन। आपने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, पूरा एनालाइज करके, पूरा पुराना रिकॉर्ड देख के ये सब आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सो आपको ये पूरा अच्छे से दिमाग लगा के चूज करना है कि हम कैप्टन किसको लेंगे और वाइस कैप्टन किसको लेंगे, क्योंकि अगर ये गलत हुआ ना तो फिर आप मैच लॉस कर जाओगे। सबसे आपको जो लगे कि हाँ ये प्लेयर आज परफॉर्म करेगा, सबसे अच्छा करेगा, उसको आप कैप्टन लो। देन आपको लगे कि हाँ ये प्लेयर जो सबसे बेकार, माफ़ी चाहूँगा, सेकेंड नंबर पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आप वाइस कैप्टन लो। अब दोस्तों देखो इतना तो आप कर लोगे, बट इसमें आपको क्या है कि आपको ये भी बता दिया जाता है, खुद ही बता देगी कंपनी कि 5% 0.5% लोगों ने इसको कैप्टन लिया है, कुछ परसेंट ने इसको लिया है, कुछ परसेंट ने इसको लिया है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो जिसको अधिकतर लोगों ने लिया है मैं उनको लेना भूल गया। यहाँ पर देखो कि लोकेश राहुल, अधिकतर लोगों ने लोकेश राहुल को ही आज के मैच में कैप्टन लिया, और देखो 42% लोगों ने लिया है ना। तो दोस्तों ये खुद बता देती है, बट अपने दिमाग से खेलोगे तभी आपको इसमें विन करोगे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने दिन को लिया, अगर आपने भी ले लिया तो फिर क्या फर्क रहेगा औरों में और आप में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है। ओके एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपकी टीम क्रिएट हो जाएगी। एंड इसके बाद अब आप इसमें सिंपली यहाँ पर आपको लीग मिलेगी, बोनस लीग यहाँ पे अवेलेबल है, अब अपने बोनस के पैसे से प्ले कर सकते हो। 100% बोनस लीग एक नहीं तीन तीन है। उसके बाद कुछ नीचे में लीग देखोगे तो अच्छे अच्छे लीग है और इसमें आप प्ले करके अर्निंग कर सकते हो। बस आपको ज्वाइन करना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप न्यू हो तो कुछ टाइम आप 4-5 गेम आप प्रैक्टिस करो, 0 रुपये की लीग है, फ्री लीग है, मतलब कि आपको सिंपली क्या करना है इस पर क्लिक करना है और सिंपली ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और पैसे वाली लीग भी आप इसमें ऐसे ही ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। आई होप वीडियो लंबी हो गई है बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, अब आप सीख चुके होंगे कि इसमें कैसे प्ले करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो इस पे और भी कुछ वीडियोज़ आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, लव यू ऑल।